जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पिछले 83 सालों से रंग रोगन नहीं हुआ। उसके चौखटों में दीमक लग चुके हैं, उसके छतें टपकने लगी है, उसके क्वार्टर अभी तक तब्दील नहीं की गई, लॉन में न कोई नया पौधा लगा है और न ही माली ने उसे संवारने की कोशिश की है। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्या जापान एक गरीब मुल्क है? क्या वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म कोई भी ज़ौक किस्म का आदमी होता है या बिल्कुल जाहिल कि वो अपने मस्कन को बिना संवार कर नहीं रखता? ऐसा नहीं है, बल्कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब जापान खंडर बन गया तो जापानी कौम ने उसे खंडर से नई सुपर पावर तख्लीक करने का फैसला किया। उन्हें उसकी बुनियाद इस वादे पर रखी कि जब तक पूरा जापान तामीर नहीं हो जाता, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर एक पोटी कोड़ी तक नहीं लगाई जाएगी। इस अहद के बाद जब भी जापान में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तामीर व मरम्मत का फैसला हुआ, कौम ने अपने हुक्मरानों से सिर्फ एक सवाल किया, क्या जापान तामीर हो गया? और फिर वो सारे ईंटे, सरिया, बजरी, सीमेंट मुल्क की किसी कच्ची आबादी की तरफ भेजा गया। अब जरा रुख करते हैं व्हाइट हाउस की जानिब। आलमी बादशाह और हमारे हुक्मरानों का क़िबला व काबा अमरीका के सदर के तसर्रुफ में सिर्फ दो ही कमरे हैं जिनमें एक चपरासी तक फराहम नहीं किया जाता। दुनिया का बादशाह खुद दरवाजा खोलता है, पर्दे खींचता है, फाइलें तलाश करता है, बाकी सारा व्हाइट हाउस एक अवामी जागीर है जिसे एक अरसे से अजायब घर का दर्जा दिया गया है। दुनिया भर से सियाह आते हैं, टिकट खरीदते हैं, व्हाइट हाउस का मुशाहिदा करते हैं, तस्वीर लेते हैं और चलते बनते हैं। इस आमदनी से व्हाइट हाउस की आरइश और ज़िवाइश का एहतिमाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का आका सरकारी खजाने से ऐवान सदर पर एक पाई लगाने के लिए तैयार नहीं। ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी एक मामूली दर्जे का घर है, उसके गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है, जिसके बायस कई दफा शहर के नौजवान लड़के वज़ीर-ए-आज़म से हंसी मजाक करने और खेलने आ जाते हैं, और मोटरसाइकिल सवार उसके एक गेट से दाखिल होते हैं और शोर मचाते हुए दूसरे गेट से निकल जाते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब और खातूनी अव्वल के माथे पर शकन तक नहीं पड़ती। मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इन हरकतों को देखता है और खुशी से तालियां बजाता है। रहा गवर्नर जनरल हाउस, तो उस कौम के लिए एक पब्लिक पार्क बना दिया गया है। हर वीकेंड पर ऑस्ट्रेलियाई आवाम फूलों की टोकरियां लेकर उसमें दाखिल होते हैं और पिकनिक मनाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और चलते चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ऑस्ट्रेलियाई कौम का ख्याल है जब तक पूरी कौम के मसाइल हल नहीं हो जाते, उसके हुक्मरानों को मराहत का कोई हक नहीं। और एक स्वीडन है, सोशल वेलफेयर स्टेट, जिसके वज़ीर-ए-आज़म को पार्किंग के लिए अक्सर जगह भी नहीं मिलती, जिसकी तमाम वज़रा ट्रेन, आम बसों और टैक्सियों में सफर करते हैं। वज़रा के पास कोई सरकारी रिहायशगाह नहीं है, उसके हुक्मरान बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के सफर करते हैं, और यही वजह है कि उसके वज़ीर-ए-आज़म अपनी बीवी के साथ किसी तकरीब से वापस आते हुए कत्ल भी हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज इस मुल्क के एक रुकन पार्लियामेंट से मीडिया के लोगों ने जब ये कहा कि आप अपने बच्चों के लिए कोई आया क्यों नहीं रखते कि उसे अपने साथ ले आते हैं, तो उसका जवाब हमारे हुक्मरान तबके के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। उनका जवाब था कि मैं आया का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपना घर चलाने के लिए भी दो जगहों पर नौकरी करनी पड़ती है। दूसरी तरफ चीन पर नजर डालिए तो उनके हुक्मरान साइकिलों पर और आम सी कटारा कारों पर दर जाते हैं, अपने पुराने घरों में रहते हैं और अपने महदूद बजट में दंगी तराशी के साथ गुजारा करते हैं। क्यों? इसलिए कि चीनी अवाम समझती है कि आसान आसाइश व आराम का पहला हक यहाँ की अवाम का है। इसी तरह कई तरक्की याफ्ता ममालिक है जहाँ के हुक्मरान मामूली घरों में बगैर बटलर के, बगैर दरबान बट्टों बच्चों के रहते हैं, उनके खवातीन खुद घरों के काम करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और सदर मेहमानदारी खुद करते हैं, मगर हमारा पाकिस्तान का बाव दाम बिल्कुल ही निराला है। यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म हाउस, सदर हाउस, गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस की शान ही अलग है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर सालाना 60 करोड़ रुपए तक सिर्फ रंग रोगन पर खर्च होते हैं। उसके लॉन की देखभाल के लिए 1200 मुलाजिमीन रखे हुए हैं, 2000 सिक्योरिटी गार्ड उसका तहफ्फुज करते हैं। उसके कमरों के शीशे जानने और सफाई के लिए भी 500 मुलाजिमीन अलग से हैं। ये वाहिद घर है जहां हर 2 घंटे बाद मेजों, कुर्सियों, सोफों और फर्शों की धूल झाड़ी जाती है, जिसके बाथरूम में बदबू, बावर्ची खानों में धुआं और कमरों में कभी अंधेरा नहीं होता। उसका चप्पा चप्पा साफ शफाफ और कोना कोना रोशन, खूबसूरत और हवादार है। दुनिया भर की खूबसूरत
شو پیس اس غریب ملک کے وزیراعظم کے لیے خریدے گئے ہیں، اور تو اور اس کا وزیراعظم بھی کبھی کبھار امپورٹڈ جاتا ہے۔ اس میں نہانے کا تالاب، ورزش کے کمرے، اور تو اور وزیراعظم کے کتوں، گھوڑوں، گدھوں، بکروں اور بندروں کے لیے بھی الگ الگ خوبصورت کمرے ہیں، جہاں کے بکرے، بکریاں، گھوڑے اور کتے بھی قیمتی کھانے کھاتے ہیں، جہاں کی بجلی ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سارا پاکستان تعمیر ہو چکا ہے، سارے مسائل حل ہو چکے ہیں، 16 کروڑ عوام کو زندگی کے سارے سہولیات مل چکے ہیں، گلیوں محلوں میں آرام سکون میسر ہے، لوگ بے خوف ہو کر سوتے ہیں، ہمارے گھر جنت اور دفتر ٹیکسٹائل بن چکے ہیں، پوری دنیا میں میڈ ان پاکستان کا سکہ چلتا ہے۔ اے میرے وطن کے باسیوں، جب ملک میں آقا اور غلام پیدا ہو جائے، مکمران ملک کے بدسلط لوگ بن جائیں گے۔ ووٹ مخص دل لگی کے لیے ہو تو انتظار کرو، ایک ہیبت ناک بلا کا جو تمہارے ہڈیاں بھی چبا ڈالے گی۔